श्री हरिहर हॉस्पिटल। यहाँ हजारा पानी ना कोई पता नहीं कहाँ जा रहा है। अंदर निकल रहा है। यहाँ बंद हो जाओ फड़की। यहाँ हजारा फिर ऊपर से बाहर से। यहाँ अंदर घुस गया। ये तो दीवार दे दी हमने रोज आता था जितनी। टीवी वो हो गई है भर गई है। मेरा नाम कल्पना शर्मा है और यहाँ हमारा घर है उपली साइड को है। ये तो मतलब नहीं है तो जब भी बारिश होती है सारा पानी यहाँ इकट्ठा हो जाता है। हर बार हमारे को ड्रेनेज इस बार हमने नहीं खोली। लोगों को इतनी प्रॉब्लम हुई सुबह ऑफिस जाने वाले स्कूल जाने वाले बच्चों को ऊपर से कोई तो यहाँ हमारी इससे रेलिंग से वो चढ़ कर आए। कई ऊपर को चले गए कई गम बूट पहनने गए द्वारा से तब पहन के तब यहाँ से क्रॉस किया उन्होंने। अब ड्यूटी पर तो लोगों ने जाना है सारा पानी यहीं इकट्ठा होता है और आता है ऊपर से। 1998 में बनाया हुआ हमने ये मकान। उसके बाद ये ड्रेनेज पड़ी थी उसके बाद तो ठीक चली थी पर अब ये हर बारिश में जो है यही हाल है यहाँ पर। खुद ड्रेनेज रात को उठ के करनी पड़ती है हमारे को दीवार देनी पड़ी अपने ये शटर के सारा पानी अंदर जाता था इसलिए हमने दीवार दे दी है पर दीवार से भी ये पानी अंदर गया इतना पानी था यहाँ जैसे दरिया की तरह। यहाँ ये तो इसका ड्रेनेज का सिस्टम ठीक होना चाहिए और जो सब बाड़ों में जो है वो पत्थर पड़ गए यहाँ कोई वो नहीं है मतलब गंदगी भी वैसी पड़ी हुई छोटी छोटी गलियां तक बंद हो गई सब जगह पड़ गए मतलब ये हमारा बाड़ जो है यहाँ पर ये रह गया भाई मतलब जो जान पड़े पत्थर। ठीक है। नाम शमशेर सिंह हाउस नंबर 67 वार्ड नंबर 10 बाला बेल। और हमारी दिक्कत यह है कि जब बारिश होती है तो पानी आता है ऊपर से सारा और वो यहाँ पर ये चैम्बर वगैरह बंद और सारा बाहर भी और जब ये होता है तो चैम्बर अंदर पानी अंदर और हमारे घरों में निकलता है। वार्ड मेंबर से तो उसको पूरा पता है वार्ड मेंबर को तो पता है लेकिन चीज़ ये है कि यहाँ पर कई दफ़ा आए उन्होंने बोला कि ये अमृत योजना वालों को हो रहा है इसका ये पाइप उखाड़ी जाएगी दोबारा बिछेगी लेकिन साल हो गया अभी तक कोई भी कुछ नहीं है। हाँ जी दुखी हो गया हम।